इंडियन आइडल सीजन 12 के पवनदीप राजन ये वो हवा का झोंका बन चुके हैं जो कभी इस पार होते हैं तो कभी उस पार होते हैं। कुछ ही रिपोर्ट पहले आप सभी दर्शकों को हमने बताया था कि पवनदीप राजन समेत सारे के सारे कंटेस्टेंट्स को शो के मेकर्स ने फिनाले से पहले अपने अपने होम टाउन में जाने का सुनहरा मौका दिया, जहां पर हमने आपको बताया था कि पवनदीप राजन उत्तराखंड पहुंचे तो वहीं पवनदीप राजन की जोड़ीदार अरुणिता कांजीलाल जो है वो कोलकाता पहुंची थी। पवनदीप राजन अपने होम टाउन उत्तराखंड पहुंचकर भव्य उनका स्वागत हुआ, जहां पर पवनदीप राजन की मां बेहद ज़्यादा खुश हुई। इसके बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन उत्तराखंड जाने से पहले पहुंचे थे कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता अरुणिता कांजीलाल के साथ पहुंचे थे। अरुणिता कांजीलाल को उनके होम टाउन में छोड़ने के लिए पवनदीप राजन गए थे, जहां पर वो पूरी की पूरी एक रात बिताकर आए हैं और वहां पर पवनदीप राजन का काफी भव्य तरीके से स्वागत हुआ। और साथ ही साथ भव्य तरीके से स्वागत होने के साथ साथ उन्हें कई सारे सरप्राइजेस भी मिले और उन्हें पलकों पर बिठा कर रखा अरुणिता कांजीलाल के मम्मी पापा और उन पूरा का पूरा परिवार ने। आइए आपको बताते हैं ये खास रिपोर्ट एक्चुअली में है क्या। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आप सभी दर्शकों को बताते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अरुणिता कांजीलाल का भी भव्य तरीके से स्वागत हुआ, फूलों से स्वागत हुआ, ढोल नगाड़े बजाने लगे अरुणिता कांजीलाल के स्वागत में, और साथ ही साथ वहां पर पीछे पीछे पवनदीप राजन भी वहां पर मौजूद थे। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। पवनदीप राजन अरुणिता कांजीलाल के साथ पूरा का पूरा एक दिन जो है वो बिताए थे अरुणिता कांजीलाल के घर में। अब कोलकाता से ताल्लुकात है अरुणिता कांजीलाल का, वहां पर उनका होम टाउन है और वहां की ये मान्यता है, वहां की ये संस्कृति होती है कि कोई भी मेहमान अगर उनके या फिर कोलकाता में किसी के घर में भी अगर आता है तो वहां के लोग जो हैं उसे भगवान की तरह पूजते हैं। और पवनदीप राजन की तो बात ही निराली है। पवनदीप राजन का नाम जो है अरुणिता कांजीलाल से जुड़ा है, दोनों का रिश्ता, हालांकि दोनों ने कभी भी खुलकर ये बात नहीं स्वीकारा, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, प्यार है या फिर प्यार नहीं है, ये पूरा का पूरा बात जो है पवनदीप राजन के फैमिली वाले भी जानते हैं, अरुणिता कांजीलाल के फैमिली वाले भी जानते हैं। और वहां पर अरुणिता कांजीलाल के फैमिली वालों ने पूरी तरह से भव्य स्वागत किया पवनदीप राजन का, और साथ ही साथ उन्हें अपने घर उन्हें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि पवनदीप राजन उनके घर में पहली दफ़ा आए हैं, और साथ ही साथ काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत करते हुए काफ़ी उन्हें इंकरेज किया। और साथ ही साथ ये बात जो है अंदर की है, अंदर से जो है वो निकल कर सामने आ रही है। हमारे रिपोर्टर ने कड़ी मेहनत करके इस रिपोर्ट को निकाला है और आप सभी दर्शकों के सामने इस रिपोर्ट के जरिए आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं। हम आज के इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएँ। और तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। और हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक दिन पूरा का पूरा वक्त बिताने के बाद पवनदीप राजन अपने होम टाउन के लिए इसके बाद रवाना हो गए थे। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।